शहर में हुए उस घटनाक्रम ने सभी को हिलाकर रख दिया, जिसमें गरबा देखने गई एक बच्चे के सर में अचानक गोली ज्वाला लगी, जिससे बच्चे की मौत हो गई। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बच्चे के परिजन एमएलए रमेश मेंदोला के साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र से मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। मासूम को न्याय दिलाने के लिए दादा दयालु ने संभाला मैदान। बच्चे के परिजनों के साथ की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाने और गिरफ्तारी की मांग। नशेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सौंपा ज्ञापन। हीरानगर थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची अपनी मां के साथ गरबा देख रही थी, जहां अचानक आकर लगी गोली के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं घटनाक्रम के लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जहाँ पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा सकी है कि गोली आखिर किसने चलाई। वहीं अब आरोपियों की जल्द पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने को लेकर बच्ची के परिजन विधायक रमेश मेंदोला और जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये जो बच्ची है माही संतोष सिंधे करके, 11 साल की बच्ची है, छठी क्लास में पढ़ती है, शारदा नगर में निवास करती है। अपनी माँ के साथ वो गरबे देखने गई थी। गरबे देखने के दौरान बीच में ऊपर से कहीं से उसको गोली आई और उसके सिर में लगी। पहले तो पता नहीं चला माँ को कि कुछ वहाँ फट करके आवाज आई, और माँ उसको लेके दवाखाने गई। दवाखाने जाने के बाद वहाँ उसका इलाज चला और फिर MRI हुई, तो उसमें पता चला कि इसमें गोली लगी उसको, तो गोली नहीं लगी, तो उसका इलाज वहाँ चलता। पर सिर में गोली लगने के कारण बच्ची बच नहीं पाई। और वहाँ जिस तरह का इतना ही नहीं, विधायक रमेश मेंदोला ने नशे की हालात में बदमाशों के द्वारा लगातार वारदात को अंजाम देने की शिकायत भी पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र से की है। वातावरण है उस क्षेत्र में जो पूरा है, पूरा गुंडागर्दी वहाँ चरम पर है। वहाँ जो ड्रग्स है, ड्रग्स की भी काफ़ी सप्लाई उस क्षेत्र में काफ़ी होती है, जिसके कारण तकलीफ इस तरह की गुंडागर्दी होती है। वहाँ ड्रग्स पी के लोग चाहे जिसको मारने लगते हैं। तो हम आज पुलिस प्रशासन से मिलने आए कि बेचारी 11 साल की बच्ची का क्या दोस्त था, उसकी माँ का क्या दोस्त था। घर भी देखने गई थी, कोई किसी से विवाद नहीं, किसी कुछ नहीं, और बच्ची माँ की गोद में खेलते खेल मतलब बैठे पास में बैठे बैठे ही चली गई। ये एक बड़ी दुखद घटना है, और मतलब अब तो ये भी लगने लगा कि लोग गरबे में आएंगे कि नहीं आएंगे। इस तरह के अगर बच्चों के साथ गोलियां लगेगी चलेगी, और कोई पकड़ाएगा नहीं, गुंडे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई वो पकड़ा भी नहीं रहा, तो ये मतलब एक बड़ी दुखद घटना और मतलब एक शर्मसार करने वाली घटना है। हम सब दुखी भी हैं उससे, पूरे क्षेत्र के नागरिक दुखी हैं कि, और अपने मन में सब लोगों के मन में असुरक्षा की भावना भी आई कि छोटे छोटे बच्चों को हम कहीं भेजे कि नहीं भेजे। और वो तो माँ के साथ भी थी और पूरी मतलब अच्छे भले खेल रही थी। ये इतनी दुखद घटना के कारण, जो जिस कारण से वहाँ आए, हमने पहले भी शिकायत करी है पुलिस विभाग, कई बार हमने शिकायत करी कि ड्रग्स वहाँ को व्यक्ति असामाजिक तत्व वहाँ लोग आते रहते हैं, गुंडागर्दी है। चाहे रस्ते में अभी एक महिला से वहाँ पर चलती हुई महिला से मोबाइल छीन लिया, लोगों से मोबाइल छीनने की घटना है, पैसे छीनने की घटना है, ड्रग्स के लिए वहाँ मतलब काफ़ी पूरे क्षेत्र में एक ड्रग्स, हर गरीब बस्ती में जहाँ आप देखो चारों तरफ ड्रग्स का माहौल है, कोई असामाजिक तत्व है। उधर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र ने इस पूरे मामले में जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाने और सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन बच्ची के परिजनों को दिया है। 2 दिन पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची जो कि अपने परिवारजनों के साथ गरबा देख रही थी, आकस्मिक एक घटनाक्रम में कोई वस्तु उसके सिर पर लगी और उसके कारण बाद में उसका देहांत हो गया। मुख्यतः बड़ी घटना शुरू में परिजनों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर घटना कैसे हुई, क्योंकि आसपास कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था और न ही किसी ने किसी तरह की फायर किसी तरह का शस्त्र के साथ देखा। मुख्य तौर पर जो अभी तक का घटनाक्रम से जो चीज़ें प्रथम दृष्टया दिखी हैं, उसके अनुसार हो सकता है या तो किसी आसपास से कोई हवाई फायरिंग या उस तरह के बुलेट की जो फायरिंग हवाई होती है, उसके बाद कई बार बुलेट के वापस लौटने के कारण ऐसी घटनाएं कई बार देखने में आई हैं। बहरहाल पुलिस आसपास के जो भी अपराधी हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं,
उनके प्रति सख्ती से पूछताछ कर रही है, क्योंकि वहाँ जो भी 30-35 लोग उपस्थित थे उन्होंने भी किसी ने नहीं देखा, परिजनों ने भी नहीं देखा, और घटनाक्रम की तत्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आया कि घटना कैसे हुई। इसलिए जब शुरू में हॉस्पिटल में ले जाया गया तो ये पता नहीं था किसी को कि ये घायल कैसे हुई है, चोट कैसे लगी है। मुख्य तौर पर पूरे घटनाक्रम के बारे में अभी वर्तमान में आसपास के उस वार्ड के स्थानीय निवासियों ने और विधायक जी ने उसमें ज्ञापन दिया है। मुख्य तौर पर आरोपियों को ज्ञात करने से संबंधित ज्ञापन है। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से सतर्कता से काम कर रही है। इसमें एक विशेष टीम भी गठित की गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, हम लोगों ने भी जाकर के उसमें घटना से जुड़े हर पहलू को देखा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें घटना के जो भी आरोपी होंगे वो सामने आएंगे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। वर्तमान में इसमें 304 IPC के अंतर्गत प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया। इस दौरान बच्ची के परिजनों के साथ MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, पार्षद मनोज मिश्रा, पूजा पाटीदार, नगर महामंत्री सुधीर कोल्हे, BJP नेता चंदूराव शिंदे, शरद पवार, भूपेंद्र अड़सुले, सुभाष मापारे समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।